अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू कंटिन्यू आवर टॉपिक। अच्छा, कल हमने देखा था कि जो पर्सनल स्ट्रेटजीज थी वो क्या हो सकती हैं फॉर बिल्डिंग द हेल्थ स्केल। उसमें एक जो चीज़ थी वो थी रिफ्यूजल स्ट्रेटजीज। समटाइम्स यू मस्ट री इन्फोर्स योर डिसीजन टू से नो। या आपको बाज अपने कुछ डिसीजन ऐसे करने पड़ते हैं जिसमें आपको नो कहना पड़ता है, एंड इट इज़ नेसेसरी कि जब नो कहें तो इट मीन्स नो। Say no in a firm voice. Do this calmly and clearly. Use expressions such as I had rather not. कि हमें पता हो कि हमने ये काम नहीं करना, हम सुकून से क्लियरली उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दें। Then explain why. State your feelings. Tell the other person that the suggested activity or behavior goes against your values or beliefs. के बाज़ हम किसी काम से इनकार करना चाह रहे होते हैं तो वो हम इसलिए भी कर रहे होते हैं कि वो चीज़ हमारी वैल्यूज़ के अगेंस्ट है या हमारे बिलीव्स के अगेंस्ट होती है। फिर सजेस्ट ऑल्टरनेटिव्स, प्रपोज अ सेफ एंड हेल्थफुल एक्टिविटी टू डू इंस्टेड। कि अगर आपने ये आप ये कह रहे हो और मैं इसके लिए इनकार कर रहा हूँ तो चलो कोई हम कोई और एक एक्टिविटी कर लेते हैं। देन यूज़ अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, कि जब आप नो कर रहे हैं तो आप एक अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज को भी यूज़ करें। इट मीन्स कि आप वो नहीं करना चाहते। मेक इट क्लियर दैट यू डोंट इंटेंडेड टू बैक डाउन From your positions, look directly into the other person's eye. कि जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप दूसरे बंदे की आई कॉन्टैक्ट करें उसके साथ और फिर उसको इनकार करें। लिव इफ necessary. अगर हालात ऐसे हो गए हैं कि आपके इनकार से बात मसला हल नहीं हो रहा तो आप उस जगह को छोड़ दें। If the other person continue to pressurize you, अगर अगला बंदा आपको insist कर रहा है तो आप उस जगह से छोड़ दें और simply won't take no for an answer, just walk away. उस जगह से दूर चले जाएं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम एक देख रहे हैं कि एक बड़ा मसला है इस सारी सिचुएशन को देखते हुए कि ड्रग्स यूज़ होती हैं इंस्टीट्यूट्स में। अब उसमें यही है कि एक स्टूडेंट जो है वो नहीं उसका यूज़ टू, वो नहीं करना चाह रहा, लेकिन उसका ग्रुप ऐसा है या उसके की इन्वायरमेंट में ऐसे लोग हैं जो उसको कर रहे हैं और आपको आप नहीं करना चाहते। आप जानते हैं उसके हेल्थ हैज़र्ड्स क्या हैं, आप जानते हैं आपकी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, तो उसके लिए पहले उसको आहिस्तगी से मना करें, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करें कि आप क्यों नहीं करना चाह रहे और अदर देन ड्रग उसको सजेस्ट कर दें कि हम कोई और चीज़ कर लेते हैं, हम कोई और एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज कर लेते हैं। और उसके बाद जो है वो बॉडी लैंग्वेज आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे अगला आपको प्रेशराइज ना कर सके, और अगर फिर भी इंसिस्ट हो रहा है और कंडीशंस वही चल रही हैं देन इट मीन्स कि आप उस जगह को छोड़ दें। अच्छा, देन उसके बाद आ जाती हैं रिफ्यूज़ल स्किल्स, कि ये जो इनकार करना है ये भी करना आना चाहिए, इसकी भी सलाहियत होनी चाहिए। थिंक अबाउट हाउ यू हैंडल द सिचुएशंस इन विच यू आर आस्क्ड टू डू समथिंग दैट यू नाउ इज नो इज हार्मफुल और रॉन्ग। जिन चीज़ों का आपको पता है कि गलत हैं या इनको नहीं करना चाहिए, नुकसान हो सकता है, तो फिर आपको ऐसे सिचुएशन को हैंडल भी करना आना चाहिए। इन सच सर्कमस्टांसेस यू नीड टू यूज़ रिफ्यूज स्किल्स। अब ये जो रिफ्यूजल स्किल्स हैं, दीज आर कम्युनिकेशन strategies that can help you say no when you are urged to take part in the behaviors that are unsafe or unhelpful or that go against your values. Demonstrating these strategies, including the one shows, will help you resist risky behavior. तो ये जो आपको मैंने written material share किया है उसमें से आप इसको देखें कि अगर हम किसी को इनकार करना चाह रहे हैं तो हम उसको खुद पहले मजबूत हों उस पॉइंट के ऊपर, देन हम उसको रिफ्यूज़ कर दें। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था दैट वाज द कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, कि कोई मसला हो गया है, कोई लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन चली गई है तो उसमें हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं। इन एडिशन टू प्रैक्टिसिंग अफेक्टिव रिफ्यूजल स्किल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिवेलप एंड अप्लाई स्ट्रेटजीज फॉर डीलिंग विद कन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स एंड अवॉइडिंग वायलेंस। तशद्दुद ना हो इसमें, झगड़े को सुलझाया जा सके। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एंडिंग अ कन्फ्लिक्ट थ्रू कोऑपरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कन्फ्लिक्ट सॉल्यूशन से हमारा मुराद ये होती है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक झगड़ा जो है वो ख़त्म हो जाता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है बगैर किसी फसाद के। द की टू कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज़ रिस्पेक्टिंग अदर्स राइट, दूसरे के जो राइट्स हैं उसकी रिस्पेक्ट करें, एंड योर ओन, और आपको ये भी पता हो कि मेरा क्या राइट है। विलिंगनेस टू कम्प्रोमाइज़ विल ऑल्सो हेल्प टू अचीव अ रेजोल्यूशन दैट सेटिस्फाई एवरी वन।